नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये CHSL के एस्पिरेंट्स के लिए है, जिनके लिए टारगेट सीरीज हम लोगों ने चलाई थी, जिसका 32nd डे है आज। 31 दिन तक आप सभी लोगों ने प्रॉपर टारगेट सीरीज फॉलो की होगी ऐसा मुझे लगता है। व्यूज़ धीरे धीरे कम होते हैं, ये हर टारगेट सीरीज़ के साथ होता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ना लिखना है नहीं, बस फालतू की बातें देखना है, इधर उधर के लोगों को फॉलो करके उनके बारे में जानना है, वो क्या कर रहा है, किसकी शादी हो रही है, कौन नाच रहा है, क्या गा रहा है, कौन क्या चल रहा है, मतलब। तो आपके लिए ये सब चीज़ें रेलिवेंट नहीं है, है ना। मेरा कंसर्न, गलत मत समझिएगा, मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि आप लोग पढ़ाई करें, क्योंकि SSC जो है बेटा वो इतना बड़ा दलदल है, तुम्हें बाद में समझ में आएगा कि एक बार तैयारी सही से नहीं हुई फिर पेपर दो, फिर तैयारी सही से नहीं हुई फिर पेपर दो, रोते हुए बैठोगे। इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार 6 महीने के लिए दुनिया में क्या चल रहा है उसे छोड़ के सिर्फ लग जाओ, ठीक है। तो अब बात करते हैं टारगेट्स की। सबसे पहले उठते से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें आप 15 एडिशन लिखते हो, 15 मल्टीप्लीकेशन करते हो, स्क्वायर लिखते हो 1 से 60 तक, क्यूब लिखते हो 1 से 30 तक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखते हो और पाइथागोरस शिफ्ट लिखते हो। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पर आपको एक पेज पर डिली हुई मिल जाएगी, मैसेज प्रिंट किया हुआ है मैंने, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बस कैलकुलेशन में फंसाया जा रहा है। आगे बात करें वोकैबुलरी की, 280 से लेकर 300 तक की वोकैबुलरी दो किताबों से हम करते हैं, किरण पिनाकल से। वोकैब में 5 चीज़ें आती हैं, एंटो, सिनो, ईडियम, वन वर्ड स्पेलिंग। 5 चीज़ों के आपके सिर्फ आंसर याद करना है, ऑप्शंस याद न करें, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों मैथ्स की, तो मैथ्स में एवरेज का टॉपिक हमारा चल रहा है, आज 4th डे है, एवरेज के टॉपिक का क्वेश्चंस लगाएं, कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, टाइम दें एवरेज को थोड़ा सा, और कल का दिन और देंगे हम एवरेज को, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिन और लग रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताओ, वैसे तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। तो एवरेज के क्वेश्चंस लगाना चालू करें किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से, ठीक है। आगे इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कंपलसरी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज रीडिंग कौन कौन कर रहा है भाई, कहाँ से कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कोई भगवत गीता कर रहा है तो ज़रूर बताओ, मुझे थोड़ा जानना है उसके बारे में, और अगर भी आप कोई रीडिंग कर रहे हो तो उसके बारे में ज़रूर बताओ, ठीक है। प्लस कंजंक्शन आपको करना है, कंजंक्शन करना चालू करें, कंजंक्शन की वीडियो जो है वो अमन वशिष्ठ सर की देखें और नीतू सिंह मैम से कंजंक्शन करना चालू करें। जीके की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री के आगे के आधे घंटे की वीडियो आपको देखना है किसी भी हालत में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आगे बात करूँ जीके के स्टैटिक की, तो 19 नंबर का टॉपिक देखना है। ये दोनों चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और हिस्ट्री जो देख रहे हैं वो हम अभियान चैनल से देख रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, नया टॉपिक आज से चालू करा है, कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग वाला, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, 2 दिन में खत्म कर देंगे, इतना सड़ा टॉपिक है, लेकिन एक बार करना है तो कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ये था आज का टारगेट, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, टारगेट कंप्लीट होने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट किया करो टारगेट कंप्लीटेड, तुम्हारी मक्कारी इसी से दिखती है कि तुम कमेंट नहीं करते, इसका मतलब तुम कंप्लीट करते नहीं हो टारगेट्स, ठीक है। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, और मेरी इंस्टाइडी -Gupta616 पर मुझे मैसेज कर सकते हो कोई क्वेरी हो तो, ठीक है। तो ये था आज का टारगेट, अच्छे से पूरा कंप्लीटेड टारगेट फॉलो करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।